हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्री टू ट्रैवल। तो दो कैनेडियन वीज़ा अप्रूव हो चुके हैं, जिसमें एक वीज़ा विजिटर वीज़ा है और दूसरा वीज़ा है टूरिस्ट वीज़ा होटल बुकिंग पर। तो दोनों की क्या टाइमलाइन रही है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर भी कर देना। तो पहला जो विजिटर वीज़ा है वो अप्रूव हुआ है 17 मई को एक रिफ्यूज़ल के बाद। इनकी जो है पहले एक ऑटो रिफ्यूज़ल आई थी जो कि मार्च के मंथ में थी, उसके एक महीने बाद जो है दोबारा वीज़ा अप्लाई किया गया इनविटेशन लेटर मंगवा के। मतलब इनका वहाँ पर सिस्टर रहती हैं, रियल सिस्टर, उनके बेटे का बर्थडे था और जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने इनको बुलाया गया था। तो लगभग 34 दिनों बाद 34 डेज़ के बाद इनका वीज़ा अप्रूव हुआ। बाकी 10-15 दिन के लिए इनको इन्होंने जाना था, तो ऐसा दिखाया गया था इनविटेशन लेटर में। उसके बाद जो है बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा की। तो इनका जो है टूरिस्ट वीज़ा भी 10 दिनों के लिए अप्लाई किया गया था, 10 दिन का ट्रैवल प्लान दिखाया गया था होटल बुकिंग पर। तो इनका जो बायोमेट्रिक है वो 1 मई को हो गई थी और उसके बाद जो है 21 मई को इनका वीज़ा अप्रूवल की जो है अकाउंट अपडेट हो गया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो 21 मई को इनका वीज़ा अप्रूव हो गया। तो इनकी जो टाइमलाइन आप मान सकते हैं कि 20 दिन की रही है, 20 दिन के अंदर वीज़ा इनको मिला है। आज की डेट में अगर बात करें तो ये सबसे मैं कहूँगा कि फास्टेस्ट रिजल्ट मिला है इनको, जो कि 20 दिनों में। नहीं तो अभी तक 1-2 महीने के अंदर काफ़ी लोगों के टाइम लग रहे हैं। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि उनको 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इनको जो है सबसे फास्ट रिजल्ट मिला है 1-2 महीने के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं करो, पहले तो जल्दी जल्दी आते रहे हैं। तो जो है बाकी इनका जो प्लान है 10 दिन का, जैसे मैंने बताया होटल बुकिंग पर। और जो है फंड्स की बात करें तो इनकी जो है 5-6 लाख रुपए इनके अकाउंट में था, बाकी उससे ज़्यादा की इनके पास FD थी, 2-3 FD लगाई गई थी। बाकी ये हॉस्पिटल में काम करते हैं, सिंगल हैं और इनकी 2-3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी, जो कि थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। तो 2-3 कंट्रीज की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा हिस्ट्री नहीं थी इनकी। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि कैनेडा वीज़ा का रिजल्ट अभी भी अच्छा आ रहा है। बीच बीच में रिफ्यूज़ भी वीज़े होते हैं लोगों के, बट फिर भी अगर 80-85% वीज़े का रेशियो चल रहा है, अच्छा आ रहा है वीज़ा अभी भी। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़िया है या ठीक ठाक है, आपके अकाउंट्स वगैरह अगर आप रियल सब कुछ लगा रहे हैं, तो मैं कहूँगा रियल ही डॉक्यूमेंट्स लगाएँ। कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट्स पर विश्वास करते हैं, तो रियल ही डॉक्यूमेंट लगा के जो है अप्लाई करें। और बाकी आने वाले दिनों में हो सकता है जो टाइमलाइन है जो डिसीजन की, वो हो सकता है और कम हो जाए, जैसे कि इस वीज़े में हुई है टूरिस्ट वीज़े में कि 20 दिनों के अंदर या 20-21 दिनों के अंदर ये वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी इस वीडियो में। आई होप जो है आप इस वीडियो से आपको आइडिया मिल गया होगा कि अभी क्या चल रहा है, क्या टाइमलाइन चल रही है। दोनों वीज़ों के बारे में मैंने बताया कि उसकी क्या टाइमलाइन रही है, जो इन्विटेशन लेटर पर वीज़ा अप्रूव हुआ है और दूसरा टूरिस्ट वीज़ा पर। ये अभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा भी लग सकता है टाइम, कम भी लग सकता है, डिपेंड करता है एम्बेसी पर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।